इंडियन नेवी डबल ए SSR के लिए परीक्षा पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है और आप जाके परचेज कर सकते हो। अगर आप अपने चैनल का कोड यूज़ करते हो जो कि ये दिया है IndianV40, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये केवल पहले 100 यूजर्स के लिए। तो जाओ जल्दी से परचेज करो, लिंक मैं आपको और ये कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का GK टेस्ट नंबर 7 में, और GK के 1 से लेकर 6 तक अगर आपने अभी तक नहीं सॉल्व किया तो ऊपर आई बटन पर चेक कर लेना या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, आपको लिंक मिल सकती है, ठीक है। और GK टेस्ट नंबर 8 और GK टेस्ट नंबर 9, अब टाइम बहुत कम बचा है तो आज ही आपको अगले 2 से 3 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। तो हो सकता है उसकी नोटिफिकेशन ना जाए तो चैनल पर आ जाना, रात 12 बजे तक आपको दोनों टेस्ट जरूर मिल जाएंगे। साथ ही एक रीजनिंग की भी वीडियो मिलेगी, साथ में एक साइंस की भी वीडियो, मतलब टोटल अभी 12 बजे तक 4 वीडियोस आ सकती है। थक गया तो हो सकता है 3 आए, बाकी 4 तो पक्का आएंगी, ठीक है। तो आ जाना क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, है ना। चलो मैं स्टार्ट करते हैं। और आपकी यार एक चीज़ मुझे बहुत गंदी लगती है, बस इजी है कि रट लगा ले रखते हो। ये इजी यार, ये भी तो देखो, मैं आपको कितने टेस्ट करवा रहा हूँ, कितने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये है 7वां, इसके बाद 2 और अभी दूंगा तो 9 हो जाएंगे। इसके बाद 30 जनवरी और 31 जनवरी, इन 2 दिन में मैं आपको अलग से 7-8 मेरे पास प्रैक्टिस सेट या इसी तरीके क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो कितने सारे हो गए, है ना। एक्चुअली आपने तैयारी ज्यादा करी है, सिर्फ इजी वही बोलते हैं जिनकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है तो उनको इजी लगता है तो वो बोल देते हैं। तो ये इजी नहीं, आपकी तैयारी अच्छी है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? 4 ऑप्शन है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से, दिल्ली स्थित अशोक स्तंभ से, इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ से, या फिर पटना स्थित चंद्रगुप्त मौर्य के महल से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका जो सही जवाब है वो है आपका 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947 को। तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्वज गीत के रचयिता कौन है? ध्वज गीत के रचयिता श्याम लाल गुप्त पार्षद, कर्नल राम सिंह, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च, 12 जनवरी, 22 जनवरी, 22 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है प्रत्येक वर्ष आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8/11 मार्च या फिर 8 जून या फिर 11 जून। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस आपका 5 जून, 21 जून, 11 जुलाई, 29 अगस्त। तो इसका सही जवाब है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिवस के रूप के अवसर पर मनाया जाता है? सुनील गावस्कर, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह या फिर जयपाल सिंह। तो इसका सही जवाब है ध्यानचंद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, 11 जुलाई को, 5 सितंबर को या फिर 12 अक्टूबर को। तो इसका सही जवाब है, जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है वो गाइस प्रत्येक वर्ष आपका 5 जून को मनाया जाता है ना। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च, 28 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। फरवरी लिखा है, फरवरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस देवता के रूप में मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? भाई दिमाग मेरा बहुत ख़राब हो चुका, कसम से इतना सर में दर्द रहता है मैं बता नहीं सकता। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, सर्वोदय दिवस, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। शहीद दिवस भी आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस भी आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस भी आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछा जा सकता है तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है? ये है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किस भाषा में? ये मूलतः आपकी गुजराती गुजराती भाषा में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है। 1000 बार मैंने आपको खुद ही पढ़ाया है तो आप आसानी से तो बता ही लोगे, रटा दिए आपको सारे। मैंने बोला था एग्जाम के, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के टाइम तक रटे होंगे और देख लो आपको रटे हैं। 25 में अभी आप स्कोर लिखोगे कमेंट में, सर 25 आउट ऑफ 25, 24 आउट ऑफ 25, ऐसे लिखोगे। तो विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है, वो है APJ अब्दुल कलाम जी की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है। तो जो आपका प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास है जिसका नाम है चंद्रकांता, इसके जो लेखक है देवकी नंदन खत्री या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर अल बरूनी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसका सही जवाब है देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, विवादास्पद किताब सेटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी, विक्रम शेठ, वी एस नायपाल या फिर बी नोबाकोप, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, जो आपके सेटेनिक वर्सेज के लेखक हैं उनका नाम है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, ईस्ट तिमोर की राजधानी पूछी गई यहाँ पे, ठीक है। ईस्ट तिमोर की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए, दिली, पोर्ट विला, मजूरों या फिर हून, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्ट तिमोर की जो राजधानी गाइज वो है दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सेसेल्स की राजधानी सुआ, विक्टोरिया, कोडोर या फिर सान जुआन, तो सेसेल्स की जो राजधानी है वो है विक्टोरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, यूरो कहाँ की मुद्रा है। यूरो कहाँ की मुद्रा है, इंग्लैंड की, स्वीडन की, स्पेन की या फिर डेनमार्क की, तो चार ऑप्शन इसमें देखने हैं आपको, इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है जिसमें यूरो की मुद्रा है, जिसकी मुद्रा यूरो है, तो यूरो कहाँ की मुद्रा है वो आपकी स्पेन की है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर वी वेणुगोपाल, आर के अग्रवाल, AK ठाकुर या फिर वी रंगराजन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला जो पहला भारतीय डॉक्टर था वो कौन है, वी वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। जनरल करियप्पा, जनरल मोनेक्सा, जनरल रॉड्रिक्स या फिर जनरल जगजीत अरोड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे आपके जनरल मोनेक्सा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले जो प्रथम भारतीय थे वो थे नगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, सर सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा या फिर हरगोविंद खुराना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेप अस्त्र का परीक्षण किया। प्रक्षेपास्त्र मतलब प्रक्षेप अस्त्र का परीक्षण किया, पृथ्वी का, नाक करते सूल का या फिर अग्नि का, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पृथ्वी का, भारत ने सर्वप्रथम पृथ्वी का परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो जो सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र भारत ने स्थापित किया था तो वो कहाँ किया था, वो किया था तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है। बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। तो ये थे गाइज आज के 25 इस टेस्ट के क्वेश्चन। मुझे पता है आपके 25 में से 24 या फिर 25 सही हो गए होंगे क्योंकि काफ़ी आसान टेस्ट था, और ऐसे ही हम करते रहेंगे डेली, इतने अच्छे से क्वेश्चन रट जाएंगे क्योंकि 7 टेस्ट हो गए, ठीक है। अभी 8वां भी आ जाएगा 1-1.5 घंटे में, इसके बाद 9वां भी रात में आ जाएगा आज ही, तो 9 हो जाएंगे। इसके बाद कल और परसों में टोटल, मतलब कल आपको मैं 4 दूंगा और इसके बाद परसों भी 3 या 4 हैं, टोटल आपके 7 या 8 जो हैं मेरे पास रखे हुए हैं तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, तो इतने सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और बाकी अभी विटामिन के नाम पूछे जाते हैं, विटामिन के जो रासायनिक नाम है ना, केमिकल नेम, वो पूछे जाते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई थी लेकिन अभी सही से कंप्लीट नहीं है, तो उसको मैं कंप्लीट करके आपको दूंगा। इसके अलावा विभिन्न जीवों के, विभिन्न फलों के, जीवों के, फलों के, सब्जियों के जो आपके वैज्ञानिक नेम होते हैं उससे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, क्योंकि पिछली बार मैं कराने जा रहा था लेकिन मैं सोचा इससे नहीं आएगा तो मैंने नहीं करवाया था, और उसका क्वेश्चन आ गया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, तो इस बार मैं जरूर करवा दूंगा, अगर आता है तो आप उसे भी जवाब दे लोगे।
ठीक है, बाकी कैसे लगा ये टेस्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी बात करनी होती है मैं लास्ट में कर लेता हूँ, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने बाद जिनको जाना होता है चले जाते हैं, जिनको सुनना होता है वो सुनते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिंक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक यूट्यूब एक दिन में 3 से ज़्यादा भेजता ही नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।